तो हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें टोबा नेक्स्ट आई ड्रॉप के बारे में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड कर सकते हैं, या किस तरह की समस्या में आपको इसे यूज़ करना चाहिए, कब तक क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए यूज करते समय, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो टोबा नेक्स्ट आई ड्रॉप के अंदर जो ऐड किया गया हुआ है टोब्रामाइसिन 0.03% है, और इससे नेक्स्ट विजन फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो 5 ml का बॉटल है, जिसकी कॉस्ट है 90 रुपया। तो जैसे कि और भी आप मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो टोबा नेक्स्ट आई ड्रॉप का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके आँख में हुआ है तब, जैसे कि आपकी आँख वगैरह आ जाती है तब, या जैसे कि आपका आँख कुचराना ब्लेफराइटिस हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके आँखों में जैसे वाइटी वाइटी आपके आँखों में पलकों पे रहते हैं और जो चपकते हैं, और जो कि जैसे कि थोड़ा सा और सा भी दिखता है, तो जिससे किचरेड़ा बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको आँख में इंजरी वगैरह हुई है जिसमें आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंटेशन करना चाहते हैं, तभी भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कि आपका न्यूली अभी जस्ट सर्जरी हुई है आँख की, तो जिसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके प्रिवेंटेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो टोब्रामाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है, ये क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल का जो ग्रोथ रहता है वो स्टॉप होता है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होता या जो हुआ तो वो ठीक हो जाता है। तो मोस्टली इसका जो 3 बार दिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक बार मॉर्निंग में किए, दोपहर में, और एक बार शाम को, तो 3 टाइम इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ख्याल इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको कि जैसे कि इसके जो टिप है उसे आपको टच नहीं करना है, अगर आप टच करते हैं तो पूरा जो मेडिसिन या कंटामिनेट हो सकता है, कंटामिनेट के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए आप उसे टच ना करें, उसे अवॉइड करें। ताकि जैसे अगर आपको इसे यूज़ करना है आँख से रिलेटेड समस्या में, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें और उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको आँख में जलन महसूस हो, या बर्निंग सेंसेशन लगे, आपकी आँख लाल लाल हो जाए, या आपकी आँख में खुजली होने लगे, तो आप इसे बंद कर दें, तब इसे ना यूज करें। जैसे फर्स्ट टाइम आप यूज करें, अगर ये सब कुछ भी दिखता है साइड इफेक्ट, तो आप इसे ना यूज करें। तो इसे बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। तो मोस्टली ये अवेलेबल सर जगहों पे मिल जाता है मेडिकल पे, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।